सतलुज यमुना लिंक नहर पर पंजाब और हरियाणा के बीच टकराव का अंत फिलहाल होते नहीं दिख रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर SYL पर सरकार का रुख साफ किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने SYL पर बेहद सख्त रुख अपना लिया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कहा कि शहीद हो जाएंगे लेकिन प्रदेश का पानी पंजाब से बाहर नहीं जाने देंगे। इसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में पानी की कमी का हवाला दिया, लेकिन पंजाब के सीएम के बयान से हरियाणा को कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कैप्टन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि शहीद हो या ना हो, हरियाणा का पानी कोई नहीं रोक सकता। बता दें कि SYL पर फैसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस बीच दोनों राज्यों के रवैये से दूर दूर तक इसका हल नहीं निकलता दिख रहा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पर किसी का बंधन नहीं है। हमें उम्मीद है कि जल्द SYL नहर निर्माण की जिम्मेदारी किसी केंद्रीय एजेंसी को मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को SYL पर पीएम से मुलाकात करने के मामले को बेवजह नहीं खींचना चाहिए। पीएम से बात होने के बाद ही इस मामले में तत्कालीन गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी। आप भी देखिए SYL को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा। मैंने कहा वो शहीद तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन हरियाणा के SYL के पानी को कोई रोक नहीं सकता। कितनी बड़ी ताकत लगा लें वो, क्योंकि अभी उनके हाथ में नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, और सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी हो ही गई है। जैसे उन्होंने पिछली बार अपने यहाँ निर्णय लिया था, तो उसमें से जो अमिकेबल सेटलमेंट के आज सुप्रीम कोर्ट कह रहे थे, अब वो सुप्रीम कोर्ट की जानकारी जब हो गई है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट किसी के बंधे हुए नहीं होते, उनको तो अपना निर्णय देना ही होता है, इसलिए अपना निर्णय देंगे। ये निर्णय वो दे चुके हैं पहले कि हरियाणा का हिस्सा SYL में है। अब उस पानी को लाने के लिए SYL के निर्माण का शेष विषय है, और उसका जो उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने देना है, मुझे लगता है बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देंगे और वो जिस भी एजेंसी को कहेंगे, सामान्यतया केंद्र सरकार की किसी एजेंसी को, जैसे पहले कहा था, हमको लगता है कि ऐसा कोई ऑर्डर वो दे ताकि जल्दी से जल्दी SYL का निर्माण हो। और एक इंटरनेशनल राइपेरियन प्रिंसिपल है कि नॉन बेसन स्टेट को तुसी बेसन स्टेट को नहीं पानी दे सकते। दिस इज इंटरनेशनल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। और साढ़े जेडे ये सूबे मंगते हैं साडा पानी, साडा अपना देन नु तैयार नहीं, साडा लैण नु तैयार है। हुण जेड़ा पंजाब यूनाइटेड पंजाब सीगा ओदे विच यमुना भी सी जगादरी दे कोल, ताजेवाला हेडवर्क्स 5.58 MF पानी सी, वो तो पाया नहीं बिच, लेकिन साडा रावी ब्यास सतलुज दा लैके उधर चले गए। यूनाइटेड पंजाब दी सारी एसेट्स इंक्लूडिंग वाटर लैंड सब कुछ 60-40 दी डिवीजन आई सी, लेकिन नहीं किया उन्होंने। सो ये जी बेइंसाफी साढ़े नाल हुई है। असीं कहा कि असीं पानी दे साडे कोल बूंद नहीं है, साडे ग्लेशियर मेल्ट हो गई, साडे नदियां दा पानी जो 17.1 मिलियन एक फीट सी हुण असीं 13 मिलियन एक फीट तक आ गए, और थले दा पानी साडा दिन पर दिन थले जा रहा है नहीं पानी, और असीं चाहे शहीद हो जाइए असीं पानी नहीं इत्थों जाण रहे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।